माउंट एवरेस्ट से कम है ऊंचाई, फिर भी क्यों मुश्किल मानी जाती है कैलाश की चढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 29,029 फीट है। फिर भी उसके शिखर तक अब तक हजारों लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 21,780 फीट है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 7,000 फीट से भी कम ऊंचा है। इसके बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे कारण यह माना जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव का निवास है, साथ ही यहाँ कैलाश देवताओं और पुण्य आत्माओं के लिए ही है, यानी कि केवल देवता और पुण्य आत्मा ही यहाँ निवास करती हैं। माना जाता है कि सिर्फ वही व्यक्ति कैलाश पर जाने के योग्य है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। साथ ही कई मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जो किसी भी साधारण मनुष्य को यहाँ आने से रोकता है। इसीलिए ये माना जाता है कि कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश की चढ़ाई नहीं कर पाता। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। जी हाँ, कई लोगों ने कैलाश की चढ़ाई करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सभी अपनी कोशिशों में असफल रहे। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती के बीच का केंद्र माना गया है। एवरेस्ट के वातावरण की तुलना में कैलाश पर्वत का वातावरण ज्यादा मुश्किल माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा सक्रिय है, जिस कारण इसका वातावरण अन्य किसी स्थान के वातावरण से अलग प्रतीत होता है और यह इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।